हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूं। कबूतर एक सुंदर पक्षी है जो पूरे विश्व में पाया जाता है। इंसान और कबूतर का रिश्ता बहुत पुराना है। इस बात की पुष्टि होती है कि आज से लगभग 4000 साल पहले भी कबूतर मनुष्य के करीब रहते थे। क्यों विद्वानों का मानना है कि कबूतर और इंसान 11000 साल से साथ रहते आ रहे हैं। ये पक्षी अपना रास्ता कभी नहीं भूलता। ये पक्षी 3000 किलोमीटर दूर जाकर उसी रास्ते से फिर भी वापस आ जाता है। कबूतर एक ऐसा प्रजाति है जिसमें नर और मादा दोनों अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। कबूतर 5000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। कबूतर में सुनने की क्षमता उत्कृष्ट होती है। मनुष्य की तुलना में कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि को भी सुन सकते हैं और दूर से ही ज्वालामुखी और तूफानों का भी अंदाजा लगा सकते हैं। इनकी उड़ने की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मादा कबूतर एक बार में 2 से 3 अंडे दे सकती है, लेकिन ये कबूतर एक बार में ज्यादातर 2 अंडे ही देती है। कबूतर देखने की क्षमता 25 मील की दूरी पर वस्तुओं को देख सकता है। ये पक्षी अपना रास्ता कभी नहीं भूलता। इसकी जीवन काल 5 से 10 वर्ष तक होता है और ये हमेशा झुंड में पाए जाते हैं। कबूतर की याददाश्त बहुत तेज होती है, जिससे वो किसी भी संदेश को आसानी से पहुंचा देता है। एक अध्ययन से पता चला है कि कबूतर को वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को पहचान सकता है। आप जानते होंगे कि सफेद कबूतर शांति और प्रेम का प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। शांति और प्रेम के प्रतीक के रूप में सफेद कबूतर को इस्तेमाल किया जाता है।